बस एक मौका दो अपने बिस्तरा बाबू को बांधता, अपने प्यार का इजहार करके उसे ही अपनी मंजिल की तरफ ले जाने का। चुपोगे? मेरी बारी है चुपने की। हम लुक्का छुपी खेल रहे हैं, इस बार मैं चुपूंगा। तुम मेरे को ढूंढना, तुम मेरे को ढूंढोगे हम लोग। मैं छुपा तुम। चलो कहाँ जा रहे हैं? मुझे छोड़ो, कोई भी मुझे खेलने नहीं देता, ना बटू खेलता मेरे साथ, ना तू खेलता, कोई भी नहीं खेलता। मैं खेलूंगा। तुम खेलोगे? हाँ मैं खेलूंगा। खेलोगे ना यहाँ ये? हाँ, हम लुक्का छुपी नहीं खेलेंगे, हम बंदूक बंदूक खेलते हैं। मेरे कमरे में बहुत सारी बंदूक पड़ी है, मैं लेकर आया था। हाँ तो तुम मेरे को बंदूक से मारना, मैं तुमको बंदूक से मारूंगा। हम दोनों मर जाएंगे। मैं मीठा खा लेता हूँ मरने से पहले, मेरा मीठा खाने का मन कर रहा है। मीठा, मैं मीठा लेकर आता हूँ। बाबा गिर जाएंगे यार, वहाँ कहाँ जा रहे हैं बाबा? कमरा वहाँ है, मैं मीठा लाता हूँ, मीठा खाएंगे हम दोनों मीठा खाएंगे। मैं गुलाब जामुन भी लाऊंगा, मैं बर्फी भी लाऊंगा। अपने आप को सख्त करना होगा, तभी माँ को दी कसम निभा पाऊंगी। अनिरुद्ध, वहां कितना ही मारा था मैं संपूर्ण, मां पापा ने खेल खेल में आकर बचा लिया। वो खेल भी खेलना चाहते थे मेरे साथ, लुका छुपी शिक्षा। कैसे बताऊं पापा को, कैसे बताऊं कि जिंदगी ने मेरे साथ खेल खेल लिया, वो भी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खेल, सबसे अहम समय पर। कैसे बताऊं बाबा को कि बोनिता ने मुझसे बात करने से मना कर दिया संपूर्ण में। उसने कहा वो मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहती। उसने कहा कि कोई रिश्ता नहीं रहा हमारे बीच और ना ही कभी हो सकता है। ऐसा हो सकता है क्या संपूर्ण में? बोनिता और मेरा रिश्ता तो हमेशा था, है और रहेगा ना। आप कुछ मत कहिए, पर मैं जानता हूं ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसे विश्वास से रहा हूँ बोनिता को कि मैं बहुत प्यार करता हूँ उसे, बहुत प्यार। तुमने ही एक दिन बोनिता से कहा था ना कि तुम दोनों के बीच कोई भी रिश्ता नहीं है, बस तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो कहा था ना तुमने, पर वो लड़की, देखा तुमने उसे, हार मानी क्या वो? हाँ, अपने प्यार से मुंह मोड़ा क्या उसने? नहीं ना, बल्कि वैजयंती बनकर इस घर में आई, इस दुश्मन नगरी में। अनिरुद्ध, इतना कमजोर है तुम्हारा प्यार? नहीं नहीं, नहीं संपूर्णा माँ, मेरा प्यार कमजोर बिल्कुल नहीं, मजबूत है, क्योंकि सच्चा है। और यही बात मैं बोनिता को बताना चाहता हूँ। तो साबित करो बोनिता की तरह, प्यार में गिरो नहीं, प्यार में उठो, पूरी दुनिया के सामने साबित करो अपना प्यार, लड़ो अपने प्यार के लिए, जताओ अपने प्यार को। सही कहा आपने संपूर्ण मामा, प्यार में गिरना नहीं, प्यार में उठना है। अनिरुद्ध रॉय चौधरी ने अपने सर पर प्यार का सेहरा बांध लिया है। मेरी और बोनिता की रिश्ते की डोर अब कभी नहीं टूटने दूंगा मैं, कभी नहीं। बहुत देख लिया मेरा फितूर बोनिता ने, अब बोनिता दास अनिरुद्ध रॉय चौधरी का प्यार देखेगी, देखेगी कि कैसे उसके बिरिस्तरा बाबू उससे हाँ कहलवाते हैं।
सौंदता, जानता हूं बात नहीं करोगी, पर मेरा पत्र तो पढ़ोगी ना? अब कैसा लग रहा है माँ? तू अभी मेरे पास है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बोंदता, माँ को दे देना। सुमति माँ, अगर आप ये दवा लेंगी तो आपको और भी ज्यादा ठीक महसूस होगा। जमाई बाबू, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? क्यों? कोई तकलीफ है? कुछ गलत किया मैंने? मतलब आप बोंदता से सेवा करवा सकती हैं तो मुझसे क्यों नहीं? हाँ, अगर आप मुझे अपना बेटा नहीं मानती तो फिर ठीक है। नहीं जमाई बाबू, ऐसी बात नहीं है। आप तो हमारे लिए अपनों से भी ज्यादा अपने हैं। मेरी ताकत है, मेरी बोंदता के रक्षक है। मेरे सखा बाबू पहले भी मेरे रक्षक बाबू थे और कल पंचायत में मेरे रक्षक बाबू बनकर मेरी रक्षा करेंगे। बोंदता? अरे बोंदता, मैं उठा लेती हूँ। अब बोंदता दीदी, आपके लिए पीछे की गली में एक गाड़ी आई है। गाड़ी? अब ठीक है, मैं देखती हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ बोंदता, मुझे एक मौका दे दो, मुझे माफ कर दो बोंदता। माँ की तबीयत कैसी है? कुछ दवाइयाँ भेजी हैं साथ में, माँ को दे देना। जानता हूँ तुम्हें अधिकार है मुझसे नाराज होने का बोंदता, गलती भी तो इतनी बड़ी की है मैंने, पर क्या एक बार माफ नहीं कर सकती तुम मुझे? क्या अपनी भूल सुधारने का एक मौका नहीं दे सकती तुम मुझे बोंदता? तुम्हें बस इतना कहना चाहता हूं कि साथ छूटने से रिश्ते नहीं टूटा करते बोंदता। हमारे रिश्ते को फिर एक दौर में बांधने के इंतजार में तुम्हारा क्रिस्तरा बाबू। ट्रिंग ट्रिंग। बोंदता बोल रही हूँ, और ये अच्छा है, मेरे सपनों में आकर मेरी नींदें उड़ा दी और खुद यहाँ पे आराम से सो रहे। चलिए बरिस्तरा बाबू, उठिए और बताइए आपके दिल में बोंदता के लिए क्या है। बोलिए कि आप अपनी बोंदता से प्यार करते हैं। बताइए आप उससे कितना प्यार करते हैं। और ये कोई सपना नहीं है, आपकी बोंदता ही आपके सामने खड़ी है। पर ठीक है, अब आपको कुछ कहना ही नहीं है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मैंने सोचा था कि आपको एक मौका दूंगी अपनी दिल की बात कहने का, लेकिन नहीं बोंदता, मैं हमारे बीच किसी लेकिन की जगह नहीं बनने देना चाहता। तो फिर आपने जगह बनने क्यों दी? किसने रोका है आपको? कह दीजिए जो आपके दिल में है, कहिए। बोंदता, मैं तुम्हें ये बोंदता, मैं तुमसे बोंदता, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ
तुम्हें बहुत याद करता हूँ, यही कहना चाहते हैं ना बोंदिता मालकिन को बैरिस्टर बाबू? सपने देख रहे थे ना बोंदिता मालकिन के आप? हाँ बिहारी, सपना तो देख रहा था मैं, लेकिन जानते हो जब मेरी लिखी सारी चिट्ठियां बोंदिता तक पहुंचेगी तो मैं बोंदिता को सपने में नहीं हकीकत में देखना चाहता हूँ। देखना चाहता हूँ उसका चेहरा, बताना चाहता हूँ उसे कि मैं उसे अपनी हथेलियों में चांद की तरह समेटना चाहता हूँ। जो बात अब तक नहीं कही वो बात कहना चाहता हूँ, जो बात मेरे दिल में छुपी थी वो अपनी जुबान पर लाना चाहता हूँ, उसे बताना चाहता हूँ कि कैसे अपनी हथेलियों में चांद की तरह उसे समेटना चाहता हूँ। जो बात आज तक नहीं कही वो बात कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ तुम्हें कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ बोंदिता, बहुत प्यार करता हूँ। हमारे रिश्ते को फिर एक डोर में मैं तुमसे प्यार करता हूँ बोंदिता, तुम्हारा मुझे एक मौका दे दो। रिश्ता शायद सपना था सखा बाबू, इसीलिए आग खुलते ही टूट गया। कच्ची थी डोर हमारे रिश्ते की शायद, इसीलिए एक बार से ही साथ छूट गया। हाँ सखा बाबू, आपकी चिट्ठियों की तरह हमारा रिश्ता भी दुश्मनी की आग में हमेशा के लिए स्वाहा हो गया है सखा बाबू। ठाकुर मां, आज अनिरुद्ध ने गाड़ी भर कर चिट्ठियां भेजी हैं बोंदिता के लिए। बोंदिता ने वो सब जला तो दी पर फिर भी क्या जमाई बाबू? ठाकुमा फिर भी मुझे चिंता हो रही है, अनिरुद्ध रॉय चौधरी अब वो रुकने वाला नहीं है, वो अपनी कोशिश जारी रखेगा क्योंकि वो जानता है बोंदिता उसे कितना मानती है, बचपन से पूजा जो करती आई है उसकी। प्यार की बोली कब बोलनी चाहिए और बंदूक की गोली कब दागनी चाहिए ये कोई ठाकुमा को ना सिखाए। मुखिया जी से कह के घोषणा करवाइए। घोषणा करवाइए कि तुलसीपुर का कोई भी आदमी कृष्णानगर की लड़की की परछाई के पास से भी गुजरा तो ठाकुर मां उसका सर काट देगी और अपने घर के बाहर उसे टांग देगी। पर ठाकुमा, इससे अगर बात और बिगड़ गई तो? बिगड़नी ही चाहिए, बात बनानी किसे है। जी ठाकुमा। अब ठाकुमा के कपड़े तैयार हो गए? मालिक तो नहीं है, आप अंदर जाके देख लीजिए ना। ठीक है। हुँ।
चाहे चील की तरह मंडराना पड़े तुम्हारे सर पे बांधता, पर अनिरुद्ध रॉय चौधरी को तुम्हारे आसपास भटकने नहीं दूंगा मैं। आप तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। मेरा हाथ छोड़िए, मुझे नहीं मिलना आपसे, नहीं देखनी आपकी शक्ल। चेहरा नहीं देखोगी अपने बिस्तरा बाबू का? नहीं देखूंगी आपका चेहरा। ममता, मेरी आंखें पढ़ो, देखो तरस गई है तुम्हें देखने के लिए, दिख नहीं रहा क्या? कहा ना, नहीं देखना आपका चेहरा, छोड़िए मेरा हाथ। नहीं बोलते थे, आज ये हाथ जिंदगी भर ना छोड़ने के लिए पकड़ा है मैंने। पूरी 1423 चिट्ठियां लिखी थी बोलते थे, जानती हो कितने शब्द थे उसमें? मुझे गिनने की आदत नहीं, आप ही गिनी। गिने तो मैंने भी नहीं थे, संख्या इसीलिए याद रहे क्योंकि हर एक शब्द अपने दिल से लिखा था मैंने। जो गिना वो था समय, वो हर पल जो उन चिट्ठियों के जवाब के इंतजार में बताया मैंने। घबराहट होने लगी इसीलिए तुमसे मिलने आके। अच्छा, जरा से इंतजार से घबरा गया? इंतजार से नहीं बांधता, दूरियों से घबरा गया। सोचा अब आएगी चिट्ठी, अब आएगा तुम्हारा जवाब, पर तुमने कोई जवाब नहीं दिया। क्यों? जो चिट्ठियां पढ़ी ही नहीं उनके जवाब क्या देती? झूठ झूठ, हर एक चिट्ठी पढ़ी तुमने, उन चिट्ठियों पर लिखे शब्दों की स्याही तुम्हारी उंगलियों पे महसूस कर सकता हूं मैं। उन्हें काजल बनकर तुम्हारी आंखों में चमकते देख सकता हूं मैं बोलता। स्याही आंसुओं के साथ बह गए, अभी आंखें सूख चुकी, फिर भिगा दूंगा अपने प्यार से। मतलब रुलाएंगे जरूर, आंसू खुशी के भी तो होते हैं ना बोंदिता। वैसे अच्छा ही हुआ कि तुमने जवाब नहीं दिया, तुमने जवाब नहीं दिया मैं घबरा गया, सोचा तुमसे मिल लूं, तो मिलने आ गया। बंधन में बांधूंगा ये तो सोचा था, पर ऐसे बांधूंगा ये नहीं सोचा था। और हम ऐसे बिछड़ेंगे ये भी कहां सोचा था मैंने। बिछड़े कहाँ हैं हम बोलते, इतने पास तो हैं, देखो अब दूरियां पसंद है मुझे, इसलिए आप भी मेरा पीछा करना छोड़ दीजिए। तुम कहती ये दुनिया छोड़ दो, छोड़ देता, कहती सांस लेना छोड़ दो, छोड़ देता, पर तुम्हें छोड़ू ये नहीं हो सकता बोलते। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं।